जापानीज लैंग्वेज को फास्ट कैसे बोलें, स्पोकन जापानीज यानी कि काइवा, उसमें हम एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, ये सबसे पावरफुल मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये मेथड सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसमें जानते हुए या ना जानते हुए जिन लोगों ने जापानीज लैंग्वेज में एक्सपर्टीज हासिल करी है, जो आज बिल्कुल जापानीज की तरह जापानीज बोलते हैं, स्टडी के टाइम पर या फिर अपने लैंग्वेज कोर्स के टाइम पर या जापान के टाइम पर उन्होंने भी इसी टेक्निक को फॉलो किया है या फिर अनजाने में उनसे फॉलो हो गया है, तो इसको मैं आपको आज एक स्टोरी के तौर पे समझाऊंगा और उसके बाद किस तरह से आपको जापानीज लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो कि जब हम फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, तो हमारा ब्रेन दो तरह से काम करता है, एक तो कंटेंट के पार्ट पर और एक लैंग्वेज के पार्ट पर, मतलब क्या वर्ड्स बोले जा रहे हैं। तो देखिए इसको एक स्टोरी के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ को दो लोग सुन रहे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मान लीजिए न्यूज़ में कोई भी एक न्यूज़ आ रही है, एक एक्सीडेंट की न्यूज़ है, एक एरोप्लेन क्रैश हो गया है। और वैसे एरोप्लेन क्रैश की न्यूज़ जो है वो काफ़ी भयानक होती है, मुझे जब भी मैं जापान जाता हूँ तो मुझे एरोप्लेन में बैठने में सबसे ज़्यादा डर इसी बात का लगता है, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ। बट एनीवेज कोई बात नहीं, मैंने इस स्टोरी को आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बिल्ड किया है, तो देखते हैं। तो एरोप्लेन क्रैश हो गया है और उसकी न्यूज़ आ रही है। अब देखिए न्यूज़ अलग अलग तरह की होती है, कुछ न्यूज़ हिंदी में होती है, कुछ इंग्लिश में होती है। तो ये दोनों लोग इंग्लिश की न्यूज़ सुन रहे हैं, इन दोनों का नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, मतलब जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश को समझ पाते हैं, इंग्लिश को बोल सकते हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, उसमें उतना अच्छा मतलब जो लोग नहीं कर पाते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों को 70% या 60% या मान लीजिए 75% दोनों को इंग्लिश आती है सुननी और बोलनी, और वो दोनों इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, ये न्यूज़ इंग्लिश में है। अब ध्यान से सुनिए, मिस्टर ए जो हैं उस एरोप्लेन में उनका कोई जानने वाला था, उनका कोई जानकार था, हो सकता है कोई दोस्त हो या कोई भी है, तो वो उस न्यूज़ को सुन रहे हैं और बड़े चिंतित हैं कि उसमें उनकी जान गई है या जान नहीं गई है या वो जिंदा है या नहीं। और मिस्टर बी, उनको इस एरोप्लेन क्रैश में कोई मरा या नहीं, उसको इससे कोई लेने देना नहीं है। मिस्टर बी असल में इस न्यूज़ को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उनका अगले दिन या फिर अगले हफ्ते एक इंग्लिश का इंटरव्यू है, तो बेसिकली वो इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए इस न्यूज़ को सुन रहे हैं। और मिस्टर ए जो है वो सिर्फ कंटेंट को समझने के लिए, कंटेंट को सुनने के लिए, स्टोरी को सुनने के लिए असल में न्यूज़ में क्या हुआ सुन रहे हैं। दोनों ही इंग्लिश की न्यूज़ को सुन रहे हैं और दोनों को ही 75% इंग्लिश आती है। और मिस्टर बी अपने लेवल को और बढ़ाना चाहते हैं और मिस्टर ए जो है वो अपने स्टोरी, अपने जो जानने वाले हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो देखते हैं, अब देखिए हमारा ब्रेन जो है दो तरह से काम करता है जब हम फॉरेन लैंग्वेज में कोई चीज़ सुन रहे होते हैं। देखिए काइवा करने का सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड यही है, मैंने आपको कई बार अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपको काइवा बोलनी आनी चाहिए, मतलब जापानीज बोलनी आनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले जापानीज सुननी आनी चाहिए, उसी को ही रिपीट करके आप बोल सकते हैं और उसी में ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से ये भी कॉन्सेप्ट वही है। तो देखिए मिस्टर ए जो है उनका ब्रेन का वो पार्ट काम कर रहा है जो कि स्टोरी को समझने के लिए इस टाइम न्यूज़ को सुन रहे हैं, लेकिन मिस्टर बी का ब्रेन का दूसरा पार्ट काम कर रहा है जो कि उस स्टोरी को एक इंग्लिश की स्क्रिप्ट के तौर पे सुन रहे हैं। तो अब मिस्टर ए का फोकस है अपने दोस्त पर या अपने उस जानने वाले पर और मिस्टर बी का फोकस है उन वर्ड्स पर, उन लाइन्स पर, उन एक्सप्रेशंस पर जो इंग्लिश के उस न्यूज़ में यूज़ हो रहे हैं। मिस्टर बी के ऊपर पूरा प्रेशर है क्योंकि अगले ही हफ्ते उनका इंटरव्यू है या फिर उनका कोई एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो उनको उस इंग्लिश में बहुत ही एक्सपर्ट बनना है, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से। तो बस यही थी स्टोरी, यही हमें काम करना है अपने साथ। अब देखिए हम अपने साथ ही काम कैसे कर सकते हैं। देखिए न्यूज़ जो है वो इंग्लिश की है, तो हमें भी इस तरह से जापानीज़ के वो ट्रैक्स, वो पैराग्राफ या फिर वो स्टोरीज़ इकट्ठी करनी होंगी सबसे पहले, जो हमारे लेवल की हैं या फिर हमारे लेवल से थोड़ी सी ऊपर हैं, जिनको सुन के हमें उन जैसा बोलना। आजकल तो बहुत वीडियोस, बहुत सारे ऑडियो, बहुत सब कुछ, बहुत कुछ है इंटरनेट पर। nihongomax.com भी मैंने इसी तरह से बिल्ड करी है ताकि आपको पूरी तरह से बेसिक से लेकर एडवांस तक अच्छी तरह से एक एक चीज़ समझ आए, और मटेरियल इकट्ठा करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आई होप। तो मान लीजिए आपके पास इस तरह की न्यूज़ जैसे या न्यूज़ से थोड़े से हल्के, थोड़े से इजी ट्रैक्स हैं जो कि आप सुन के उनकी प्रैक्टिस करके जापानीज बोलना उनके जैसा चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ए का भी
पार्ट प्ले करना है और बी का भी पार्ट प्ले करना है, लेकिन दोनों को अलग अलग टाइम पर। यानी कि जब आप ए का पार्ट प्ले कर रहे हैं तो सिर्फ ए का पार्ट प्ले कर रहे हैं, यानी कि ए की तरह उस न्यूज़ को सुन रहे हैं, उस ट्रैक को, उस वीडियो को या फिर उस पैराग्राफ को। और जो ऐसे पैराग्राफ जो हैं, जैसे चौकाई के क्वेश्चंस होते हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। या जैसे मान लीजिए चौकाई में कोई पैराग्राफ दे रहे, जैसे टैली सेल्स के बारे में या न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, इस तरह से अलग अलग फूड के बारे में अलग अलग ट्रैक्स अगर आप इकट्ठे करें, उसकी प्रैक्टिस करें तो बढ़िया रहेगा। तो जब आपको ए का पार्ट प्ले करना है तो बी का पार्ट प्ले नहीं करना, यानी कि आपको सिर्फ कंटेंट सुनना है, कंटेंट पर नज़र रखनी है कि वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, उसका पर्पस क्या है कहने का, इसके अंदर क्या क्या छुपी हुई बातें हैं, क्या मैसेज देना चाहता है वो, क्या समझाना चाहता है वो। अब आपको उसके बाद मतलब अब आपको ब्रेक लेना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको उसके बाद बी का पार्ट प्ले करना है। हो सकता है थोड़ी देर बाद आप करना चाहें या फिर अगले दिन थोड़ा ब्रेक लेके। अब बी का पार्ट प्ले करते समय अब आपको कंटेंट पर कोई लेना देना नहीं, कंटेंट तो पता ही है हमें क्या बोल रहा है, लेकिन मेन उसने यूज़ क्या करें, एक्सप्रेशन उसने वर्ड्स कौन से यूज़ किए हैं, किस तरह से यूज़ किए हैं, क्या ब्यूटीफुल लैंग्वेज यूज़ करी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रामर के कुछ ऐसे पैटर्न्स जिनका एक्यूरेट मीनिंग उसी सिचुएशन में यूज़ होता है। मैंने कई बार अपने जैसे N3, N2, N1 के सेशंस में भी आपको समझाया है, एडवांस वीडियोस में भी आपको समझाया है कि हर ग्रामर जो है वो इंग्लिश के तौर पे, इंग्लिश ट्रांसलेशन के तौर पे वहाँ पर फिट नहीं हो जाती, कभी कभी अजीब सा मीनिंग भी निकल आता है। तो उस एंगल से अब आपको उसको पॉज कर करके वीडियो को या ट्रैक को सुनना है। आप उसको पॉज करके अपने आप बोलिए, समझिए, उसको फिर चलाइए, फिर से सुनिए, फिर से बोलिए, फिर से समझिए, कुछ भी करिए, लेकिन बी का ही पार्ट प्ले करिए। कसम खा लीजिए, जब मैं बी का पार्ट प्ले कर रहा हूँ तो मुझे ए का पार्ट प्ले नहीं करना है, और जब मैं ए का पार्ट प्ले कर रहा हूँ तो मुझे बी का पार्ट प्ले नहीं करना है। अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेनिंग दीजिए, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। और इस मेथड को करने से बिलीव मी आप एक महीने में ही या दो महीने में ही, डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप बहुत बहुत अच्छी जापानीज बोलना शुरू कर सकते हैं। देखिए जो लोग जापान जाते हैं उनके साथ भी ना यही होता है। जब मैं जापान गया था तो मुझे भी टीचर्स ने बोला था कि देखो जब आप काइवा कर रहे होते हो या फिर आपको अगर जापानीज अच्छी करनी है तो आप टीवी देखो ज़्यादा। उन्होंने साथ में ये भी बोला था कंटेंट पर तो ध्यान देना, लेकिन साथ साथ वर्ब सॉरी एक्सप्रेशंस पर, ग्रामर पर, वर्ब्स पर, इन सब पर भी ध्यान देना अगर टाइम मिले तो। अगर टाइम नहीं है, इमरजेंसी का टाइम है, आपको सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना है तो ठीक है, आप कंटेंट पर ध्यान देके काम चलाओ, लेकिन जब आपके पास इमरजेंसी नहीं है तो आप ये वाला पार्ट भी थोड़ा थोड़ा प्ले करो। तो बिलीव मी उससे बहुत बहुत जल्दी मैं एक महीने में ही जापानीज से इतनी जापानीज बोलने लग गया था कि मैं लड़ाई तक करने लग गया था उनसे, बहस करना, आर्ग्यू करना उनसे, फिर दोस्ती करना, हंसी मजाक करना, उनके साथ घूमना फिरना, ट्रैवल करना, बिल्कुल हिंदी जैसा जापानीज बोलना, जैसे कि हमें वर्ड्स पर ध्यान ही नहीं है, अब हमारा सिर्फ कंटेंट पर ही ध्यान है, ऐसा लेवल। और देखिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो वो पूरा एक साल जापान में रहा, उसको फिर भी जापानीज नहीं आई, वो अभी भी N3 N2 की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, जॉब नहीं मिल रही है उसको, इंटरव्यू नहीं पार कर पाता, वो कितना मूर्ख है। तो मैं उनको समझाता हूँ, देखो वो मूर्ख नहीं है, बेसिकली शायद उसने वो वाला एक्टिविटी करी ही नहीं, या फिर वो उसको पता ही नहीं था, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, या सच में वो मूर्ख है, या वो सच में नहीं चाहता कि मैं जापानीज जापान गया हूँ इतनी मुश्किल से तो मैं जापानीज भी सीखूँ, खाली पैसा कमाना या फिर इन सब चीज़ों पर ध्यान ना रखूँ, तो वो बात अलग है। तो आपको वैसा नहीं बनना है, आपको बस यही दो चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं आपको पार्ट प्ले करना। याद रखिए कि जो जैसा मैंने बोला कि आपको जब ए का पार्ट प्ले कर रहे हो तो बी का पार्ट प्ले नहीं करना है, और बी कर रहे हो तो ए नहीं करना है, और अपनी लैंग्वेज को इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। काइवा से ही आप GLPT भी सॉल्व कर सकते हैं, बिलीव मी, अगर आप सिर्फ काइवा पर ध्यान रखें तो आप GLPT ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ी सी बस एंड में कुछ रूल्स, कुछ रोट लर्निंग वगैरह रह जाती है, वो बाद में रट्टा मारना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन ये सबसे स्ट्रांग मेथड है अपनी लैंग्वेज को फास्ट करने का। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, थैंक यू सो मच।